जय श्री कृष्ण विद्यार्थीओ, आज आप धोरण 8 विषय गणित चेप्टर नंबर 6 वर्ग अने वर्गमूल बराबर आ चेप्टर छे एनी थीअरी जोईशुं। हवे अहींया जे चेप्टर छे एना माटे खास करीने तमने वर्ग वर्गमूल आवडवा जोईए, जे अगाउ पण आपणे शीखी गयेल छे बराबर, अने जे छे घड़िया पण तमने खास याद रखवाना छे अने नियम छे ए पण समझावुं छुं। संख्यानो वर्ग, आपेली संख्याने एज संख्या वडे गुणवाथी मळती संख्याने आपेली संख्यानो वर्ग कहे छे। एटले जे संख्या आपी होय ने एज संख्या वडे गुणी नाखवानुं, जेम के दाखला तरीके एक तो एने एक आरे ज गुणवानुं, बे तो बे आरे ज गुणवानुं, त्रण तो त्रण आरे ज गुणवानुं। ए रीते एक गुणा एक एनो वर्ग शुं थशे, एक। बे गुणा बे तो एनो वर्ग बे, बे चार। त्रण गुणा त्रण तो त्रण नो वर्ग नौ। चार गुणा चार, चार नो वर्ग सोल। बराबर, केम वचाय? एक नो वर्ग बे नो वर्ग ए रीते वचाशे। हवे अहीं तो के एक चार नौ सोल ए अनुक्रमे एक बे त्रण चार ना वर्ग थी बनती संख्याओ छे, जे तमे ऊपर जोई शको छो। पूर्ण वर्ग संख्याओ, पूर्ण वर्ग एटले के जे संख्यानो वर्गमूळ छे एनी करतुं होय। बराबर, आपेली संख्या जो कोई पूर्णांकनो वर्ग होय तो आपेली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या छे, पूर्णांकनो वर्ग होय। बराबर, दाखला तरीके पांच गुणा पांच एटले पांच नो वर्ग, बराबर पचू पचू पचीस। आठ गुणा आठ, आठ नो वर्ग अठ्यू अठ्यू चौसठ। पच्चीस अने चौसठ ए पूर्ण वर्ग संख्या छे। पछी आगळ जोईए, दरेक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या न होय, पूर्ण वर्ग संख्याओ अनंत छे, मीन्स के असंख्य छे। जे संख्यानो एकमनो अंक, आ खास याद रखवानुं छे, हवे जे थीअरी आवे छे, एक अथवा तो नौ होय, कई कोई संख्यानो एकमनो अंक का तो एक अथवा तो नौ होय तो ते संख्यानो वर्ग करता मळती संख्याना एकमनो अंक हमेशा तमने शुं मळशे? एक ज। जेम केम खबर पड़े, एक नो वर्ग करो तो एक ज मळे, पण नौ नो वर्ग करो नेवे नेवे एकासी, तो एक्यासी जे वर्ग करेलो छे एमां एक्यासी नी पाछळ एकडो छे, शुं एक्यासी छे एनी पाछळ शुं आवे? तो के एक। बराबर, एटले हमेशा एनो वर्ग करो तो शुं मळे? पाछळनो एकमनो अंक एक। એ જ રીતે જે સંખ્યાના એકમનો અંક બે અથવા તો આઠ હોય, એટલે કોઈ સંખ્યા છે ને એકમનો અંક બે અથવા તો આઠ છે તો તે સંખ્યાનો વર્ગ કરતા મળતી સંખ્યાના એકમનો અંક ચાર હોય, બે ને આઠ હોય તો હંમેશાનો વર્ગ કરો તો શું મળશે? ચાર। જેમ કે બાર, બાર નો વર્ગ શું થાય? એકસો ચુમ્માલીસ, એટલે એકમનો અંક શું આવ્યો છે? એટલે ચાર। જે સંખ્યાનો એકમનો અંક ત્રણ અથવા સાત હોય તે સંખ્યાનો વર્ગ કરતા ત્રણ અથવા તો સાત હોય મળતી સંખ્યાના એકમનો અંક હંમેશા શું આવશે? નવ। તો અહીંયા આપણે કરીએ, જેમ કે તેર છે એનો વર્ગ કરીએ તો અહીં પાછળ શું છે? તો કે ત્રણ, તો એનો વર્ગ કરીએ તો શું થાય? એકસો ને ઓગણસિત્તેર, તો પાછળ છે અહીંયા ત્રણ હોય તો પાછળ હંમેશા શું આવશે? નવ। એવી રીતે સાત હોય તો સત્યુ સત્યુ ઓગણપચાસ, તો ઓગણપચાસ છે એમાં પણ પાછળ શું આવશે? નવ। જે સંખ્યાનો એકમનો અંક ચાર અથવા છ, કાં તો ચાર હોય અથવા તો છ હોય તો તે સંખ્યાનો વર્ગ કરતા મળતી સંખ્યાના એકમનો અંક છ હોય, ચાર એટલે કે તમે જો માની લો કે ચૌદ, તો ચૌદ હોય તો એને એકસો ને થશે છન્નું, તો પાછળનો અંક શું આવ્યો? ચાર હોય તો છ। બરાબર, જે સંખ્યાના એકમનો અંક પાંચ હોય તે સંખ્યાનો વર્ગ કરતા મળતી સંખ્યાના એકમનો અંક પાંચ હોય, જેમ કે પંદર, પંદર નો વર્ગ કરો તો શું આવશે? બસો ને પચીસ, તો પાંચ હોય તો અહીંયા પણ શું આવશે? તો કે પાંચ। વળી આ વર્ગ સંખ્યાના દશક અને એકમના અંકથી મળતી સંખ્યા આપણે કઈ મળશે? તો કે પચીસ, એટલે હંમેશા પાંચ હોય તો શું આવશે પાછળ? તો કે પચીસ જ આવતા હોય। હવે આગળ થિયરી જોઈએ, જે સંખ્યાનો એકમનો અંક શૂન્ય હોય તે સંખ્યાનો વર્ગ કરતા મળતી સંખ્યાના છેલ્લા બે અંકો શૂન્ય જ મળે, જેમ કે દસ છે એનો વર્ગ કરો
तो अहीं केटला मळ्या आपने तो के एक जीरो होय अहीं तो केटला जीरो मळे हमेशा बे होय ना डबल जे संख्याना एकमनो अने दशकना अंकमां डबल शून्य होय ते संख्यानो वर्ग करता मळती संख्याना छेल्ला चार अंको चार शून्य होय बराबर एटले बे होय तो चार एक होय तो बे बराबर त्रण होय तो छ एकी संख्या नो वर्ग एकी संख्या होय एकी संख्या नो वर्ग शू मळे एकी संख्या अने बेकी संख्या नो वर्ग बेकी संख्या होय जेम के एक नो वर्ग एक बे नो वर्ग चार तो बे बेकी ने चारे बेकी ए रीते कोई संख्या ना एकम ना स्थान मा शून्य होय परंतु दशक ना स्थान मा शून्य न होय तो ते संख्या पूर्ण वर्ग न बने एकम नु स्थान छे मा शून्य छे पण दशक ना स्थान मा शून्य न होय तो ए पूर्ण वर्ग होय नहीं। कोई संख्या ना एकम दशक अने सो ना स्थान मा शून्य होय बराबर परंतु हजार ना स्थान मा शून्य न होय तो ते संख्या पूर्ण वर्ग न मळे आगळ ना त्रण अंक छे मा शून्य होय परंतु हजार नु स्थान छे मा शून्य न होय तो पूर्ण वर्ग बने नहीं। कोई संख्या ना एकम ना अंक मा पांच होय परंतु दशक ना स्थान मा बे न होय तो ते संख्या पूर्ण वर्ग न होय एकम ना स्थान मा पांच होय जेम के पच्चीस छे एमा पांच आवे ने आगळ बे आवे तो ए तो के पांच छे पच्चीस नो वर्गमूळ पांच ज निकळशे कोई पण मा पण तो के जो दशक ना स्थान मा बे न होय तो पूर्ण वर्ग संख्या होय नही। जे संख्या ना एकम ना अंको आजे लाइन खास याद रखनी बे त्रण सात अने आठ होय ते संख्या पूर्ण वर्ग संख्या न होय कोई संख्या नी पाछळ एकम नो अंक बे त्रण सात आठ होय तो ए संख्या पूर्ण वर्ग होय नही जेनु वर्गमूळ निकळशे नही। जे संख्या ना एकम दशक अने सो ना स्थान मा शून्य होय तो ते संख्या पूर्ण वर्ग संख्या न होय बराबर त्रण ना स्थान मा शून्य होय तो पूर्ण वर्ग संख्या होती नथी ए पूर्ण घन बने छे। आगळ जो ए थियरी हवे एना पछी आपणे आगळ जोशुं वर्गमूळ जे संख्याना वर्ग थी पूर्ण वर्ग संख्या बनी छे ते संख्याने आपेल संख्यानुं वर्गमूळ कहे छे एटले जे संख्यानो वर्ग छे वर्ग थी पूर्ण वर्ग संख्या बनी होय तो ए संख्या छे बराबर एनु वर्गमूळ कहेवामां आवे छे जेम के उदाहरण तरीके चार नो वर्ग चोके चोके सोळ तेथी सोळ नुं वर्गमूळ केटलुं थशे तो के चार पछी छे वर्गमूळ दर्शाववा माटेनो संकेत भाई खाली जग्यामां पूछाय छे तो याद राखवानुं आ रीते छे वर्गमूळ दर्शाववा माटेनो संकेत सात नो वर्ग ओगणपचास सत्यु सत्यु ओगणपचास तेथी ओगणपचास नुं वर्गमूळ केटलुं थाय सात एटले के ओगणपचास रूट में होय तेनु वर्गमूळ केटलू निकळशे सात एक नुं वर्गमूळ एक संकेत में रूट एक बराबर एनु वर्गमूळ पण केटलू निकळशे एक वंचाय एक नुं वर्गमूळ बराबर एक जेम मैं हमणा वाँच्यू तेम चार नुं वर्गमूळ बे तो संकेत में वर्गमूळ छे एमां केटला छे चार तेनु बराबर वर्गमूळ केटलू निकळशे बे चार नो वर्गमूळ बराबर बे आ रीते वंचाय छे। पूर्ण वर्ग संख्या नु अविभाज्य अवयवो मेळवीने वर्गमूळ शोधवुं बराबर पूर्ण वर्ग संख्याना अविभाज्य अवयवो मेळवता ते बे बे नी जोडमां मळे हमेशा आपणे वर्गमूळ शोधता हशुं त्यारे बे बे नी जोडमां लेवाशे संख्या दरेक जोड़ना एक एक अविभाज्य अवयवों गुणाकार करवानो एटले जे जोड़ मळे एमांथी एक एक संख्या छे अविभाज्य अवयव लई एने एनो शुं करवानो गुणाकार ए संख्यानुं वर्गमूळ छे एना पछी जे संख्याना अविभाज्य अवयवो बे बे नी जोड़मां न होय ते संख्या पूर्ण वर्ग नथी हमेशा बे बे नी जोड़मां मळे तो पूर्ण वर्ग छे अने बे बे नी जोड़मां न मळे तो पूर्ण वर्ग नथी तो अहीं आपणे चेप्टर नंबर 6 छे एनी थियरी छे ए पूर्ण थाय छे। हवे पछीना नेक्स्ट विडियो में स्वाध्याय 6.1 नो अभ्यास करीशुं।